हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चीन लद्दाख से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर आ गया है, जबकि सरकार सच कबूल नहीं रही है। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, चीन जो 7 किलोमीटर दूरी पर आ गया है, सरकार सच नहीं कबूल नहीं, कपिल सिब्बल दावा कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि गुनाहों के गलीचे में छिपे हुए अपने पाप के में पेबंद लगाने के बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी चोर मचाए शोर की स्थिति में। और मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि कितनी इनके अंदर निगेटिव एनर्जी है, कितनी निगेटिव एनर्जी है कि ये भाई बहन माता जी इनकी, ये जो है वो हर दिन बेहुदा बयान, बेसुरे बयान, बेबुनियाद बयान दे करके और कहीं ना कहीं भारत विरोधी ताकतों को ऑक्सीजन देने के काम में लगे। आज जो है वो जब देश एकजुट होकर के मजबूती के साथ देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की सार्वभौमिकता, देश के जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके लिए काम कर रही है, लगी हुई है, तो इनकी जो पूरी की पूरी गतिविधि है वो गतिविधि जो है वो नकारात्मकता से भरपूर है, निगेटिविटी से भरपूर है। और इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहों के गलीचे में दबे हुए जो इनके गुनाहों का जो गठरी है, उस गुनाहों की गठरी में पेमंद लगाने की कोशिश हो रही है। सर, इस सबके बीच में जब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल खड़े किए हैं, 10 सवाल पूछे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के, तो उसमें जो है उस पर जो कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि इससे पहले भी जो है इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, आरोप बेबुनियाद है। और खुद बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता जो जाते हैं चीन में, वहां पर मुलाकात करते हैं, वही आरोप जो है बीजेपी वाले हैं। भैया, जाते हैं आते हैं इसका विषय नहीं है। आपको आपने चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन में के लिए पैसा लिया कि नहीं लिया, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। अब आप ये कहेंगे जी हमने तो जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल कर दिया था। हमने तो नहीं कहा कि आपने रिटर्न में दाखिल नहीं किया, लिया कि नहीं लिया, और वो अगर लिया तो उसका कर्ज क्यों चुकाने में लगे हुए हैं आप। सर, सबके बीच में जो है पीएम केयर फंड को लेकर के जो जेपी नड्डा ने सवाल उठाया, उस पर जो है कांग्रेस का कहना है कि साल 2005-06 के दौरान जो है 20 लाख रुपए जरूर लिया था और वो भी जो है राहत कार में लगाया गया था, तो आरोप बेबुनियाद है जो कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की जो इस तरह की बकवास बहादुरी है, इस बकवास बहादुरी से खुद कांग्रेस के लोग जो है वो दुखी है, उनके साथ ही खुद जो है वो आश्चर्यचकित हैं कि कांग्रेस को हो क्या गया है। इस संकट के समय में, इस संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय आप सियासी व्यवधान का हिस्सा बन रहे हैं, आप जो है इसके सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के बजाय आप पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैला रहे हैं। शरद पवार ने भी जो है कहा है कि हमको 1962 को भी याद रखनी पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारा इतिहास है। देखिए, हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कभी भी इस देश ने ऐसा नकारात्मक रुख और ऐसा नकारात्मक व्यवहार किसी पार्टी का नहीं देखा जिस तरह से इस समय वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस का जो रुख है वो नकारात्मक है, और ऐसे समय में जबकि देश पूरा एकजुट है, कांग्रेस का ये रवैया निश्चित तौर पर नकारात्मक उसकी जो है निगेटिविटी दिखाता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।